शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि 134A से महज 10% लोगों को ही फायदा मिलता था, लेकिन RTE से 25% को फायदा मिलेगा। शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से संवाददाता देवीदास शारदा ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। स्कूलों की मनमानी को लेकर, अभिभावकों की परेशानी को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा ने हल्ला बोल भी चलाया था। जितने भी विषय थे उन सार को शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बड़े ध्यान से सुना और जो जो बातें आई सामने, जिस तरह से मनमानी का विषय था, स्कूल ड्रेस का था, फीस का था, 134 ये है, उसको लेकर हमारे साथ मौजूद है शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी, उनसे जानते हैं किस तरह का निर्णय लिया गया। सर, आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। देखिए, 134 ए पे जिस प्रकार का विषय उठ रहा, मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जरूरी है ये। और 134 ए समाप्त करके हमने हरियाणा के हितों के लिए काम किया है, क्योंकि इतना पैसा खर्च करके हम 10% बच्चों को एजुकेशन देने का काम करते थे। ऐसा 134 ए में था कि जो गरीब बच्चे हैं उनको एजुकेशन देने की जो जिम्मेदारी थी। तो अब जो RTE है जो हमने बनाया, उसमें 25% बच्चों को उसी प्रकार की सुविधा दे सकते हैं और उसका 60% खर्चा जो है वो केंद्र सरकार उठाएगी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और इससे ज़्यादा लोगों को लाभ होगा। जहाँ तक कुछ अभिभावकों ने हमारे पास शिकायत की थी कि भाई कुछ स्कूलों ने अपनी फीस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और कुछ स्कूल तो ऐसे भी है जिन्हें डबल भी कर दी थी, तब उनकी कंप्लेंट हमें मिली तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की और हमने एक नियम बना दिया कि आगे से कोई भी स्कूल अपनी फीस को 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकेगा। एक साल में केवल 5% ही बढ़ा सकेगा। कुछ अभिभावक हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि ड्रेस का ऐसा है कि हर बार स्कूल ड्रेस चेंज कर देता है तो हमें अनावश्यक पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि ड्रेस तो लगभग 2 साल तो चली जाती है। तो हमने उसमें भी नियम बना दिया कि 5 साल तक उसका कलर चेंज नहीं करेंगे, 5 साल तक वो ड्रेस का कलर एक ही रहेगा। अभी कुछ भावकों की ये भी कंप्लेंट थी, सोशल मीडिया में भी है, वैसे बातचीत करते हैं कि कुछ स्कूल इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि वो जबरन कुछ किताबें लगा के, एक निश्चित दुकान होती है वहाँ से वो कहते हैं कि भाई आपको एक पुस्तक जो है इसी दुकानदार से खरीदनी है, तो उसका भी हमने लेटर निकाल दिया कि अगर कोई भी स्कूल इस प्रकार का व्यवहार करेगा तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी भी व्यक्ति को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि कौन पुस्तक कहाँ से खरीदेगा। हम दूसरा भी एक काम करने वाले हैं, अभी हमने इस पर विचार किया और बातचीत कर रहे कि कुछ पुस्तकें अनावश्यक लगा दी, जो सिलेबस से संबंध नहीं है वो लगा दी और उनके बहुत ज़्यादा चार्जिंग उनकी ली जाती है, तो हम उस पर विचार कर रहे हैं। तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे, उसको सारा सारा देख लेते हैं एक बार, कितनी जरूरत है कितनी नहीं जरूरत है। अगर उसकी कोई उपयोगिता नहीं है तो निश्चित तौर पर उसको बंद करेंगे ताकि अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव ना पड़े। इसमें सर यदि बात करते हैं, मतलब सांस्कृतिक स्कूल है या मिड डे मील मिलता था, ये कब से शुरू होने जा रहा है, इससे क्या फायदा मिलने वाला है? नहीं, मिड डे मील हमने शुरू कर दिया और वो बच्चों को देना शुरू कर दिया उसके कारण, क्योंकि वो सारा का सारा कोरोना की वजह से हमने बंद किया था और अब स्थिति समझ में, तो अब मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, वो हमने शुरू कर दिया। सर लास्ट में एक बात है, 134 में आप कह रहे हैं कि 10% ही केवल बच्चे थे और जो RTE है 25% बच्चों को बेनिफिट मिलना, फिर विरोधाभास क्यों है? माँ बाप क्यों नहीं समझ रहे, अभिभावक क्यों नहीं समझ रहे, या राजनीतिक स्टंट बना पड़ा? नहीं देखिए, कुछ नहीं है ये, कांग्रेस वाले या कुछ दूसरी पार्टियां भी है, वैसे तो मुख्य रूप से कांग्रेस इसका विरोध कर रही, लेकिन अगर कांग्रेस से प्रश्न पूछा जाए कि 134A पे उन्होंने क्या किया, ये नियम तो 2007 में कांग्रेस की सरकार ही लेके आई, लेकिन सरकार ने कहीं इंप्लीमेंट नहीं किया इसको। 2007 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, एक बच्चे का एडमिशन नहीं किया। मैं तो मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह रहा, अगर उनके पास कहीं एक एडमिशन है तो पूरे हरियाणा में वो बता दें कि पुराने स्कूल में उन्होंने एक बच्चे का एडमिशन किया था, एक कभी नहीं किया। 2015 में 2014 में जब हमारी सरकार आई तो 2015 में हमने एडमिशन शुरू किए और हम इसमें काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया इसके लिए, और ये केवल दिखावा है जो आज लोगों के बीच में जाके नारेबाजी करते हैं और कुछ करते हैं, केवल और केवल दिखावा है, वास्तविकता में सच्चाई नहीं। कुछ ऐसी और भी संस्थाएं हैं तो वो भी इस प्रकार का एक जो ड्रामेबाजी है वो कर रही है, वास्तविकता में इसके खत्म होने से और आर्टी लागू होने से लोगों को फायदा हुआ है। धन्यवाद सर। इधर हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी, जिन्होंने बताया जिस तरह जो भी मुद्दे इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता से उठाए थे वो सारे के सार पर काम किया गया है और लोगों की समस्या दूर हुई है।
यमुनानगर से देवी दशहरा इंडियन न्यूज हरियाणा।